ये देखो, ये देखो इसमें पूरा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, पूरे पत्थर में ब्रह्मी लिपि में लिखा हुआ पूरा, देखो आपको दिख रहा होगा है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का नया ब्लॉग फिर स्टार्ट होने वाला है और आज हम रात को कल रात को हम विकास नगर में ही रुक गए थे और आज हम देहरादून जाएंगे। लेकिन अब कल क्या था कि हम शनि मंदिर गए थे जिसका ब्लॉग आपके पास आ चुका होगा और आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा उस ब्लॉग को। और उसके बाद क्या हुआ कि रात काफ़ी हो गई थी तो हम लोगों को यहीं रुकना पड़ा और हम यहीं रुके और फिर हमारा प्लान बना कि जब हम यहाँ रुक ही गए हैं तो हम अभी और जगह भी जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं कालसी, तो चलिए कालसी की सैर करके आते हैं। और बच्चों ने बहुत मज़े किए है ना। तो अभी भैया और वैदिक आ रहे हैं बाइक से, मतलब वो साइड कहीं लगा देंगे बाइक को, फिर उसके बाद हम लोग साथ में जाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग घूम के आते हैं कालसी, हम गए नहीं है कभी कालसी घूमने के लिए। शनि मंदिर तो हम गए हुए हैं लेकिन कालसी नहीं गए है ना। तो चलो चलते हैं। तो ये पुल मुझे सबसे अच्छा लगा और इसके सामने जो पहाड़ है वो अच्छे लगे। और सामने के जो पहाड़े और सामने है यमुना नदी, ठीक है। और अभी यहाँ पक्षी इतने सारे दिख रहे हैं ना, छोटी छोटी चिड़िया। चलो अब आगे के और बढ़ते हैं। तो ये आ गया है कालसी बाजार, यहाँ से अंदर जाना है ना, मेन मार्केट है ये देखिए। और यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ, हाँ सम्राट अशोक शिलालेख। तो ये वाली गली है, हम इसके अंदर जा रहे हैं। जो लोग यहीं रहते होंगे उनको तो पता है, लेकिन जो देहरादून रहते होंगे और यहाँ नहीं आए होंगे उनको नहीं पता होगा। तो हमारे साथ तो भैया लोग हैं इसलिए वो बता रहे हैं हमें, और ज़्यादा नहीं ले सकते वैसे हम ना, आज के लिए हमारे ज़्यादा नहीं ले सकते हम पूरे रोड पर, भी पूरा मिल जाएगा। तो चलिए अब मिलाते हैं हम आपको अपने भाई से, जिनसे आप मिल चुके हो राखी में। क्या हाल है, बड़े हैं क्या कर लेगी, इनसे ऐसी जवाब मिलेगा। चलो तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी कालसी में, जो जहाँ पे है आपको अशोक शिलालेख मिलेगी और हम लोग वहीं जा रहे हैं। सब लोग नीचे जा चुके हैं, मतलब जो शिलाएँ होती हैं ना, बड़े बड़े पत्थर वगैरह होते हैं उसमें कुछ ना कुछ उनके उस टाइम की कुछ बातें लिखी होती हैं जो कि हम पढ़ नहीं सकते लेकिन हम देख सकते हैं है ना। हम इधर आते हैं तो यहाँ पर आपको ये बोर्ड मिलेगा और इससे हम नीचे एंट्री जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता ऐसा है, तो हिल पहनने वाला कृपया इस यहाँ पर ना आए यहाँ के लिए। यहाँ पे देखो जो बूढ़े लोग हैं वो ऐसे चल रहे हैं पीछे हाथ रख के। चलो चलो ये देखो, आप लोग जवान है, चलो रेस मार के चलो मेरे साथ। चलो मैं जवान मतलब तो क्या आप मैं चलता हूं। तो हम आए हैं अभी मेन गेट में आए हैं और अभी चलो अब अंदर की साइड चलते हैं। और यहाँ पे आपको दो स्तंभ मिलेंगे, अशोक स्तंभ। चलो चलो अब हम चलते हैं, बच्चे आके चल गए हैं ना। वाओ, ये अंग्रेजों के जमाने का होगा ना, है ना, जब सम्राटों का टाइम था ना, मतलब राजाओं का टाइम था। इतना अच्छा लग रहा ना, प्यारा पहाड़ पहाड़। एक चीज़ है ना, मतलब पहले की चीज़ें जो बनी हुई थी ना, उनमें मजबूती इतनी खतरनाक है ना, मतलब बहुत अच्छी मजबूती दिखाई देती है। चलो हम आपको ना एक जो सम्राट अशोक की शिलालेख है वो हम आपको दिखाते हैं और उसमें कौन सी लिपि में लिखा, मतलब इसमें दिखाई तो नहीं देगा कैमरे में, बट इसमें कुछ लिखा हुआ है हमें दिखाई दे रहा है, कुछ ब्रह्मी लिपि से इसमें लिखा गया है। उनके होते होंगे कुछ उस समय की बातें, कुछ सीक्रेट्स। अच्छा, मतलब वैसे डिजाइन बना रखा ना इस पत्थर। तो ये देखिए आपको इसमें शिलालेख पे देखो ये हाथी दिख रहा हुआ है ना, तो ये देखो ये अशोक स्तंभ में मतलब पूरा दिख रहा है, इसमें पूरा क्लियर दिख रहा है कि हाथी बना हुआ है। और इन्होंने लिखा भी है उसके नीचे, मेरे को जहाँ तक दिखाई दे रहा है RVAV लिखा हुआ है उसके नीचे। वो दूसरी लिपि है। हाँ, लिपि दूसरी है लेकिन उसमें देखो ये से उल्टा करके आपको भी दिख रहा होगा, ये वीडियो में दिख रहा है देखो RVE, मैंने जूम करके थोड़ा दिखा रखा आपको, इसमें लिखा हुआ साफ RVEV है ना। ये देखो, ये देखो इसमें पूरा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ पूरे पत्थर में, ब्रह्मी लिपि में लिखा हुआ पूरा, देखो आपको दिख रहा होगा है ना। ये देखो, ये इन्होंने प्राचीन जो पत्थर है
देख रहे होंगे इसमें कितने अच्छे तरीके से पत्थरों में देखो कितने अच्छे तरीके से है ना। देखो देख ले बेटा आपको दिख रहा होगा भी आपको इसमें ये जो हमारे सम्राट लोग हुआ करते थे ना सम्राट कौन होगा अभी नहीं आएगा ना इसके चक्कर में ये देखो कुछ इस तरीके से पत्थरों की नक्काशी की गई है। इसमें इतना कुछ लिखा हुआ है जो है ना जो मेंशन कर रखा है ना नीतियों की आत्मसंयम मन की शुद्धता इन सब चीज के बारे में लिखा हुआ है। तो ये बच्चों की मस्ती हो चुकी है स्टार्ट बच्चों के साथ एक छोटा एक बड़ा बच्चा बच्चों, हाँ बच्चों के साथ एक बुढ़ा बच्चा है वो जो सामने हाँ तो अब हम अभी थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और इससे नीचे देखिए आप वहाँ पे गांव है लोग काम कर रहे हैं खेती कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया अभी अशोक स्तंभ दिखाया जो कि शिला लेख में इनकी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं उस समय की जो लिपि यूज़ होती थी उससे और पीछे है गांव बहुत सुंदर गांव है और ये देखिए लोग लगे हैं काम वगैरह करने में। तो इसमें हमें हाथी दिखा वीडियो में इतना अच्छा दिखेगा नहीं दिखेगा लेकिन मतलब एक चीज़ है कि हम पेपर में किसी चीज़ को उतारना इतना मुश्किल नहीं होता जितना पत्थरों में उस तरह से ठोक पीट के उन्होंने कैसे बनाया होगा। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग भी ज़रूर आइएगा अगर आप लोग यहाँ नहीं आए हैं तो और जब बच्चे फिर स्कूल में जाके ये चीज़ें पढ़ते हैं ना अब जैसे एक बार उन्होंने देख लिया बच्चों ने ये चीज़ है तो फिर वो जब कोई क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो उस समय उनको याद आता है हाँ हम वहाँ गए थे तब ज़्यादा ईजी रह जाता है। तो चलो बहुत अच्छा बनाया अशोक सम्राट जी ने उस टाइम पे ये चीज़ें करवाई जो कि अभी भी है उनकी यादों के लिए। और जो ये पूरा एरिया है ऊपर से लेके नीचे तक वो देखिए बहुत सुंदर है एरिया जैसा पूरा है ना पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और ये जो पेड़ है ये बहुत अच्छा ठंडी हवा दे रहा है अगर कोई थक गया है यहाँ पे आके तो आराम से अपना यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर और फिर उसके बाद आगे जब आप पहाड़ जैसा पूरा हाँ बहुत सुंदर है और ये हाँ तो बहुत ही सुंदर है यहाँ पे भी बहुत अच्छा है। तो चलिए अब चलते हैं और आप जरूर आइएगा हमें इस जगह पे और अब हम चलते हैं दूसरे कहीं और जा रहे हैं ना आप कहाँ जा रहे हैं हम कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें यूएसए यूएसए आप कहाँ ले जा रहे हैं जहाँ से सत्यनारायण निकलते हो डाकटर बराज चलो चलते हैं फिर वहीं यूएसए में अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ तो चलिए अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में वो भी विकास नगर की होगी। और अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं वो तो आप बताना आपको कैसा लगा अगर जो नहीं आए हैं तो वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हम नहीं गए हैं लेकिन अब हम जरूर जाएंगे है ना। और अच्छा लगा बहुत अच्छी मतलब शांति वाली जगह है और थोड़ा कुछ पिछला देखने के लिए जो पहले के टाइम पर हुआ कैसे बनाया गया उसके बारे में जानकारी ली हमने जो वहाँ पे बैठे हुए थे जो मेंटेन करते हैं इसको पुरातत्व विभाग वाले पुरातत्व विभाग वाले जोर से बोलो जय माता की। तो यहाँ पे देखिए बहुत चढ़ाई है पहाड़ों में और ये पत्थर कुछ इस तरीके से खोलने का टाइमिंग क्या है जैसे कोई आता है बाहर से आके सूर्य उदय होगा उसे खोल देंगे सूर्य छिड़ने के बाद अच्छा ठीक है। तो एक चीज हमें जैसे उस टाइम पे दिखाते थे ना जो मूवी वगैरह में दिखाते थे ऐसे गहराई में जाके हैं तो वैसे ही ऐसे देखो आगे ऐसे ही नहीं है बिल्कुल बिल्कुल वो नीचे गहराई में है जाके जैसे ऐसे वो फीलिंग आती है किले वाली वो किले वाली हाँ है वैसा बिल्कुल है ना बिल्कुल। तो ठीक है तब तक के लिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और एक सिंपल वीडियो है लेकिन है कुछ देखने लायक बहुत अच्छा है देखने लायक आप आना जरूर 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 आना है ना। तब तक के लिए हमारा सफर अभी हमारा जारी है और अब हम ऊपर की तरफ वापस जा रहे हैं और बस मिलते हैं नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आसन बैराज हम जाते हैं और आपके लिए एक नई वीडियो और लेके आएंगे। और बच्चों की एक आउटिंग हो गई अच्छा लग रहा है अभी भी काफ़ी टाइम बाद हम लोग ऐसे घूम रहे हैं ना बाकी हमने तो मोटर राइडिंग करते हैं तो थोड़ा लगता है कि बच्चों को भी साथ में लाना चाहिए। हाँ, मोटर राइडिंग में तो फिर हम दो ही जने जा सकते हैं मोटर राइडिंग करके ना इसलिए हमने सोचा कि चलो रुक ही जाते हैं और अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और कुछ बनाते हैं कुछ सीखते हैं ठीक है। तो तब तक लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और जो लोग हमारे चैनल में आज पहली बार है फिर से रिक्वेस्ट कर दूँ वीडियो देखते हैं अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचे। तो तब तक के लिए ओके बाय बाय ओके बाय बाय टेक केयर।